अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देसी तड़का बाय ज़हीर में खुश आमदीद। आज हम पालक और गोश्त बनाने लगे हैं। 1 किलो हमने पालक ली है और आधा किलो हमने चिकन लिया है, 3 अदद टमाटर, 3 अदद प्याज और 1 गट्ठी लहसुन की और 6 सब्ज़ मिर्चें, 1 गट्ठी लहसुन की, अदरक और 5 हरी मिर्चें। ये 2 कैटेगरी में है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। और 1 गिलास मलाई वाला दूध, ये भी आपको साथ बताएंगे। और मुनफरिद तरीके से इंशाल्लाह हम इसको बनाने जा रहे हैं। आप हमारे साथ रहिएगा और पूरी वीडियो देखनी है, कहीं से स्किप नहीं करनी। पालक को हमने अच्छी तरह से धो लिया था और उसके बाद हमने इसको, ये आपके सामने है, काट लिया। और ये देशकी से बाहर जो आ रही है आपको नज़र, जैसे जैसे ये पकना शुरू होगी तो आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे बैठती जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पालक को हम ऊपर रखने लगे हैं आग के ऊपर। जी दोस्तों, ये देखें, पालक हमारी काफ़ी नीचे हो चुकी है और अब इसमें हम डालने लगे हैं सब्ज़ मिर्चें और लहसुन। लहसुन इसमें हमने ज़्यादा डालना है, बाकी जो लहसुन है वो भी आपको दिखाएंगे पेस्ट उसका बना के। और ऊपर से 1 चम्मच नमक का भी डाल दें। जी दोस्तों, पालक का पानी खुश्क हो चुका है तकरीबन, और अब इसमें हम 1 गिलास जो दूध लिया था हमने मलाई वाला, वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूध हमने पालक में अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। जी दोस्तों, पालक हमने दूसरे चूल्हे पे रख दी है और अब हम चिकन का मसाला बनाने के लिए प्याज रख दिए हमने, कढ़ाई में डाल दिए प्याज। और इसमें प्याज़ों में कम से कम 1.5 कप ऑयल का हमने डाल दिया है। ऑयल हमने पहले से भी इसमें डाला हुआ था प्याज़ों में, और पालक में ऑयल ज़्यादा डलता है इसलिए हमने इसमें 1.5 कप डाल दिया है प्याज़ों में। साथ ही हम लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट बना लेंगे जब तक प्याज ब्राउन नहीं होते। जी दोस्तों, दूध और पानी काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो गया है, बाकी थोड़ा सा रह चुका है, तो इस घोटने के साथ इसे हम घोट लेंगे आहिस्ता आहिस्ता, मज़ीद ये खुश्क होता जाएगा साथ में। और दूध इसलिए डाला है पालक में जो कड़वापन वो नहीं इससे रहेगा, हल्का हल्का इसे घोटने से बिल्कुल ये मैश हो जाएगी। जी दोस्तों, प्याज़ों को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना और लहसुन अदरक और हरी मिर्च का हमने पेस्ट इसमें शामिल कर देना इसमें, और कम से कम 3 से 4 मिनट इनको भून लेना है, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, 3 से 4 मिनट लहसुन अदरक का पेस्ट भून लिया हमने और खुशबू माशाल्लाह से अच्छी आ रही है उसकी। और उसके बाद हमने इसमें टमाटर डाल देने हैं और टमाटरों को भी अच्छी तरह हमने भून लेना है जब तक इसका पेस्ट नहीं तैयार हो जाता। तो मसाला हमारा तैयार हो चुका है, इसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे और उसके बाद 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 गरम मसाला। अब इनको हम अच्छी तरह भून लेंगे। दोस्तों, मसाला हमारा तैयार हो गया है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इसमें चिकन डालेंगे और चिकन को अच्छी तरह इसमें हमने भून लेना है। जी दोस्तों, हमने इसे घोट लिया है और घोटने से इसका जायका बरकरार रहता है। ग्राइंड करने से
वो जायका जो इसका देसी तरीके का होता है वो नहीं रहता इसमें, इसलिए मेहनत तो की है और थोड़ा सा इसमें हमने पानी छोड़ना है, बिल्कुल पानी इसका खुश्क ना हो। जैसे ही हमारा चिकन तैयार हो जाएगा उसमें हम इसे डाल के दोबारा भून लेंगे अच्छी तरह से। जी दोस्तों, चिकन हमारा भुन गया है और ये देखिए माशाल्लाह से ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त बनी है। असल काम जो होता है सालन का, उसे अच्छी तरह भून लिया जाए और भुनाई के दौरान ही अच्छा जायका टेस्ट बनता है इसका। और अब इसमें हम डालने लगे हैं पालक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पालक को 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भून लेना है और उसके बाद दम वाले फ्लेम पे रख देना है 3 से 4 मिनट। पालक भुनी जा चुकी है और अब इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए दम वाले फ्लेम पर रखने लगे हैं। जी दोस्तों, हमारी पालक गोश्त तैयार है, ये देखें, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। घर में बनाएं और फिर बताएं कि कैसी बनी है हमारी पालक गोश्त। जी दोस्तों, हमारी पालक गोश्त तैयार हो गई है और माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू है इसकी आ रही है हमें तो। और दोस्तों, हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें और घंटी के बटन को दबाया करें। दोस्तों, आपकी मोहब्बत और आपके साथ से हमें कामयाबी मिलेगी। दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अगली मुनफरिद वीडियो के साथ। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।